नमस्कार बागवान भाइयों और बहनों, जैसे कि स्कैब रोग जो कि सेब के बगीचों में देखा जाता है, पिछले साल भी हिमाचल प्रदेश के अन्य जिले जैसे कि शिमला, कुल्लू, मंडी और चंबा में पाया गया था। चंबा जिला के भरमौर और पांगी विकासखंड में इसके इस बीमारी के लक्षण देखने को मिले थे, लेकिन इस साल भी यह बीमारी चंबा जिले के विकासखंड भरमौर और विकासखंड महिला के ऊपरी क्षेत्रों में देखी जा रही है। इस बीमारी में सेब का पौधा मरता तो नहीं है, पर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अन्य कई बीमारियों से बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस बीमारी के लक्षण ज्यादातर पेड़ के ऊपरी हिस्से पर आते हैं और वो भी पत्तों और फलों पर ज्यादातर देखने को मिलते हैं। पत्तों पर बीमारी की शुरुआत में पत्तों पर हल्के जैतूनी हरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं, जो कि समय के साथ काले भूरे रंग के हो जाते हैं और जिस कारण पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे पेड़ से नीचे गिर जाती हैं। इसी तरह के धब्बे जो हैं फलों पर भी देखने को मिलते हैं। यह धब्बे धीरे धीरे कर्कनुमा सख्त होके फलों की सतह पे देखे जाते हैं। इस कारण जो फल है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और किसान को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। यह बीमारी वेंचुरिया इनिक्वेलिस नामक फफूंद के कारण होती है। यह फफूंद अनुकूल परिस्थितियां जैसे कि कम तापमान जो कि 16 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में और ह्यूमिडिटी 90%, साथ ही साथ पत्तियों पे नमी 9 से 12 घंटे तक रहे तो यह फफूंद ज़्यादा से ज़्यादा फैलता है और महामारी का रूप ले लेता है। यह फफूंद अपना जीवन शैली दो चरणों में पूरा करता है। प्राथमिक चरण जिसकी शुरुआत अक्टूबर से लेके मार्च तक रहती है और माध्यमिक चरण जिसकी शुरुआत मार्च से लेके सितंबर तक रहती है। प्राथमिक चरण में यह एस्कोस्पोर नामक जीवाणु से बीमारी फैलाता है और माध्यमिक चरण में कोनिडिया नामक बीजाणु का प्रजनन होता है जो कि बीमारी को फैलाता है। लेकिन जो माध्यमिक चरण के समय जो बीमारी फैलती है वो ज़्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि उस समय परिस्थितियां अनुकूल फफूंद के फैलाव के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए हम कई स्टेप्स जो हैं वो ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि आप अपने बगीचे को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, मतलब कोई अन्य झाड़ियाँ जो भी हैं उन्हें काट काट के जो है वहाँ से निकाल दिया जाए। दूसरा, अगर आपके बगीचे में स्कैब रोग था तो आप उस बगीचे में जो गिरी हुई पत्तियाँ हैं और फल हैं उनको इकट्ठा करके कहीं जला दें। और तीसरा है कि आप यूरिया, जब आप फल तुड़ान कर बैठते हैं उसके बाद यूरिया 10 किलोग्राम पर 200 लीटर प्रतिशत पर प्रति 200 लीटर पानी में जो है छिड़काव करें। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उद्यान विभाग की जो छिड़काव सारणी है उसको फॉलो करें, जो कि आपको नेट पे भी अवेलेबल हो जाएगी और आप अपने ब्लॉक्स या विकास खंड में जाके भी उसको ले सकते हैं। धन्यवाद।